नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़, लेकिन अगर आपने ये कर दिया देन डेफिनेटली आप में इतना पावरफुल अट्रैक्शन आएगा मेरे भाइयों, लोग आपके लिए पागल हो जाएंगे एक्चुअली, और लोगों के साथ साथ आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे हमेशा। नंबर दूसरा, अगर आपको अट्रैक्शन चाहिए दोस्तों लाइफ में, तो ब्रह्मचर्य सबसे मेन काम है। और चाहे किसी भी तरह का अट्रैक्शन चाहिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है दोस्तों दिल से परमात्मा को याद करते हुए अच्छे कार्यों में लगे रहना दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपके शरीर में जो एक वीर रूपी राजा रहता है दोस्तों, उसको पहचानो, उसकी वैल्यू करना सीखो, उसको बाहर ऐसे ही बहाना नहीं पड़ेगा आपको। वीर में इतने सारे गुण हैं दोस्तों जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं आपको, अंदर से दिमाग से और शरीर से भी। बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर में वीर की शक्ति है देन आपको किसी भी तरह के बाहरी वस्तु की ज़रूरत नहीं है श्रृंगार के लिए। केवल वीर ही काफ़ी है दोस्तों, जो कि आपके शरीर को चेहरे को चमका कर रख देगा दोस्तों, और आपको अपने आप में अच्छा फील होगा। हाँ यार, अच्छा फील हो रहा है अंदर से। जो लोग हस्तक्रिया करके अपने वीर का नाश करते हैं दोस्तों, उनका शरीर मरे के समान बन जाता है, उनके शरीर में कमजोरियाँ बनी रहती हैं, उनका चेहरा बिल्कुल रोने जैसा बन जाता है, वो दुखी रहते हैं हमेशा और डल पड़ जाता है दोस्तों, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मचर्य करने से दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको, और अट्रैक्शन बहुत पावरफुल तरीके से आपको लोगों से भी मिलता है, लोग भी पसंद करते हैं दोस्तों ब्रह्मचर्य करने से। और ब्रह्मचर्य करने के लिए आपको कभी भी गलती से भी किसी भी ऐसे विचार की ओर इंटरेस्ट नहीं लेना पड़ेगा दोस्तों। आपका मन आपको भटका सकता है, मन में आप जो चाहें इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन गलत इमेजिनेशन में इंटरेस्ट नहीं लेना है आपको। आपके मन में गलत विचार आएंगे लेकिन उनको हटाओ, सीधे हटाना पड़ेगा और इंटरेस्ट नहीं लेना पड़ेगा उसमें, देन डेफिनेटली आप इजीली ब्रह्मचर्य कर पाओगे दोस्तों। और ब्रह्मचर्य से ही आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव भी बनोगे, ब्रह्मचर्य से ही आप अपनी लाइफ में एनर्जेटिक बनोगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य के बारे में सोचना भी नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मचर्य करने के लिए आपको, अगर ब्रह्मचर्य में सफल बनना चाहते हो दोस्तों, तो मैं ब्रह्मचर्य करके रहूँगा, ब्रह्मचर्य करना चाहता हूँ मैं, ब्रह्मचर्य करना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य करता हूँ भैया मैं, एक दिन कर दिया मैंने, दो दिन कर दिया, ऐसे गिनते हुए करोगे दोस्तों तो आपका ब्रह्मचर्य सफल नहीं हो पाएगा। बल्कि क्या करना पड़ेगा आपको, आपका कोई बड़ा सा गोल है, मान लिया बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ी जॉब पाना चाहते हैं दोस्तों, चाहे क्लास में आप अच्छा टॉप मारना चाहते हो, चाहे आप गेम में अच्छा करना चाहते हो, चाहे आप जॉब में अच्छी प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हो दोस्तों, तो सब कुछ केवल ब्रह्मचर्य से होगा। तो उस गोल को पाने में आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि ब्रह्मचर्य में। अगर आपका ध्यान ब्रह्मचर्य करने में होगा तो दोस्त हार जाओगे आप, लेकिन आपका ध्यान अगर केवल गोल पे है, डेफिनेटली आप ब्रह्मचर्य करते हुए गोल पा लोगे दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको सीखना पड़ेगा आपको दोस्तों, मेन गोल पे फोकस करते हुए, दिल से केवल गोल पे फोकस करो, ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिकली आपके गोल को पाने में हेल्प करेगा आपकी। लेकिन समझना है कि ब्रह्मचर्य में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है हमको, गलत चीज़ों से दूर रहना है बस, इंटरेस्ट नहीं लेना उन चीज़ों में। नंबर तीसरा काम, जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कठिन है, नॉर्मल लोग नहीं कर पाते ये चीज़, लेकिन अगर आपने ये कर दिया देन डेफिनेटली आप में इतना पावरफुल अट्रैक्शन आएगा मेरे भाइयों, लोग आपके लिए पागल हो जाएंगे एक्चुअली, और लोगों के साथ साथ आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे हमेशा, और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे आप, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, आपको कोई डरा नहीं पाएगा, और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और वो कहता है दोस्तों, एक समान बने रहना हमेशा, एक समान रहना सीखो। अब एक समान कैसे रहा जाता है दोस्तों, ये भगवद गीता में बताया गया है। जो व्यक्ति हर एक इंसान को, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपका दुश्मन है, चाहे कोई भी कैसा भी इंसान है, उसको बस एक समान नज़र से देखने वाला, चाहे कोई बहुत अमीर है चाहे बहुत गरीब है, उसको एक समान नज़र से देखने वाला, किसी के लिए कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, किसी के लिए द्वेष का भाव नहीं, बस एक समान देखने वाला, उस व्यक्ति को हर एक व्यक्ति पसंद करेगा दोस्तों। उसके साथ साथ जो व्यक्ति कभी दुख हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा खुशी आने पर बहुत ज़्यादा उछलता नहीं है दोस्तों, एक समान रहता है, कंट्रोल में रहता है अपने दिमाग के, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सुखी भी नहीं होना है। उसके बाद एक और चीज़ बताया, मान हो चाहे अपमान हो, कोई मुझे बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहा है तो भैया मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने जाना है, मुझे एक समान रहना है, चाहे कोई मेरा अपमान कर रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आ जाना है, मुझे बस एक समान रहना है। ये जो इंसान सीख गया दोस्तों, बस वो व्यक्ति बहुत पावरफुल बन जाएगा, बहुत ज़्यादा अंदर से अपने आप में खुश रहेगा, और लोग कहेंगे यार ये इंसान कुछ अलग है, डेफिनेटली।
लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है दोस्तों, इसको सीखना बहुत बड़ी बात होती है। और एक समान रहने वाला व्यक्ति कभी भी गुस्सा आ भी जाए दोस्तों, गुस्सा आता है, बहुत सारे लोगों को आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गुस्से को अपने आप में कंट्रोल रखना पड़ेगा, हावी नहीं होने देना गुस्से को अपने आप पे, आ जाए लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में। उसके बाद किसी भी तरह का अहंकार नहीं होता जिस व्यक्ति में कि भैया मैं, मेरे से उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। अबे तुम कुछ हो ही नहीं एक्चुअली दोस्तों, हम असल में कुछ है ही नहीं। इसलिए ऐसा समझने वाला व्यक्ति वो होता है, वो एक समान रहने वाला व्यक्ति, ऐसा भगवत गीता में बताया गया दोस्तों। और एक और होता है दोस्तों जो कि अपने दिमाग को हमेशा कंट्रोल में रखता है। कोई गंदी वीडियो दिख जाए, वो गलत करते हुए लड़कियां दिख जाए, कोई इंसान दिख जाए दोस्तों, तो अपने दिमाग को हमेशा कंट्रोल में रखना है भैया कि नो, मेरा फोकस मेरे गोल पर है, ना कि गलत क्रियाओं पर। मुझे गलत लड़कियां, गलत चीज़ें मुझे हिला भी नहीं सकती हैं दोस्तों। ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है, सीखने वाली बात होती है दोस्तों। जो सीख गया बहुत बड़े बन जाओगे दोस्तों, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करोगे, इतनी गारंटी है। और लोग अट्रैक्शन के साथ साथ बहुत कुछ आपके लिए कुर्बान कर देंगे मेरे भाइयों, सच में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ऐसा करने के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, श्रीमद् भगवद्गीता में बताया गया है कि ऐसा करने के लिए केवल प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक दिन हारोगे आप, एक दिन आप गुस्सा करोगे, एक दिन आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा दोस्तों जो भी मैंने बताया, लेकिन धीरे 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 करके आप कंट्रोल कर दोगे इसको, जब प्रैक्टिस करते हुए दिमाग से, मन से, देन डेफिनेटली दोस्त सब एक समान बन जाओगे आप, और इससे बड़ी चीज़ कुछ है ही नहीं इस दुनिया की। जो गौतम बुद्ध थे दोस्तों, उनका सबसे बड़ा मेन रीज़न था दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ एक समान है, सब कुछ एक समान है, जो इंसान एक समान रहेगा वो सबसे बड़ा है इस दुनिया का। बन के देखो दोस्त, गारंटी है बहुत पावरफुल बन जाओगे मेरे भाई, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। नंबर 4, योगा और वर्कआउट। जब लोग सोए रहते हैं, जब लोग मज़े कर रहे होते हैं, जब लोग अपना टाइम पास कर रहे होते हैं दोस्तों, लेकिन जो व्यक्ति अकेले में रहकर कुछ मेहनत करता है अपने लिए, चाहे पढ़ाई है, चाहे योग है, चाहे वर्कआउट है दोस्तों, वो ही दुनिया में चमकता है। और जो ये योग है और वर्कआउट है, ये अट्रैक्शन की चाबी है मेरे भाइयों। जब आप रोज़ योग और वर्कआउट करोगे अकेले में रहकर, चाहे जिम में कर दो चाहे घर पे करो दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप करते हो ऐसा, देन आपकी शरीर में, देन आपकी बॉडी में और आपके चेहरे पर अलग ही टाइप की चमक आएगी मेरे भाई। और लोग बोलेंगे क्या बात है भाई, क्या कर रहा है आजकल। आप भी देखते होगे दोस्तों कुछ लोग, जो लोग देखने से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, उनके शरीर में, उनके फेस में बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो आप समझ जाना मेरे भाइयों, या फिर इस भाई ने ब्रह्मचर्य किया अपनी लाइफ में, या फिर ये व्यक्ति हर रोज़ वर्कआउट करता है और योग करता है। समझ जाना मेरे भाइयों, केवल ब्रह्मचर्य करने वाला भी व्यक्ति का भी चेहरा चमकता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के साथ साथ योग और वर्कआउट करेगा, उसका चेहरा तो बहुत पावरफुल तरीके से चमकेगा दोस्तों, और शरीर में वो चमक होगी दोस्तों, सच में पावरफुल बन जाएगा मेरे भाई। और जो हस्तक्रिया करेगा दोस्तों, वो क्या हो जाता है, वो डल पड़ जाता है, उसका चेहरा ख़त्म हो जाता है, उसकी तरफ कोई अट्रैक्ट तो छोड़ो दोस्तों, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहता है, रोते रहता है ज़िंदगी भर, कमज़ोर बने रहता है, मरे के समान बन जाता है, और अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा सोचते रहता है ज़िंदगी भर कि मैं आज से ब्रह्मचर्य करूँगा, आज से ब्रह्मचर्य करूँगा, लेकिन वो कभी कर ही नहीं पाता। इसलिए ऐसा बनो मेरे भाइयों कि रोज़ करो अंदर ही अंदर अकेले में रहकर मेरे भाइयों, मज़ा आ जाएगा। नंबर 5, कॉन्फिडेंस। अगर आप लाइफ में चाहते हो दोस्तों कि लोग अट्रैक्ट हों आपकी तरफ, लोग पसंद करें आपको, देन कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन की चाबी है मेरे भाइयों। जो हस्तक्रिया करेगा दोस्तों, वो डरते रहता है, वो किसी से आँख मिलाकर बात भी नहीं कर पाता है, अपने आप में अंदर से जो इंसान झूठ बोलते हुए कुछ गलत कार्य करता है ना दोस्तों, जो हस्तक्रिया करके अपना वीर का नाश करता है, वो व्यक्ति हमेशा डरते रहता है, ज़िंदगी भर डरते रहेगा। लेकिन ब्रह्मचारी खुलने में काम करता है, कोई गलत कार्य नहीं करता है, तो वो खुलकर अच्छे से बात कर पाता है मेरे भाई। और एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ मेरे भाइयों कि आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो कि यार मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य करोगे दोस्तों केवल तब सोच पाओगे ऐसा, अगर ब्रह्मचर्य नहीं करोगे दोस्तों तो भूल जाओ। और कॉन्फिडेंट रहने के लिए मेरे भाइयों, कभी लाइफ में डरना नहीं किसी से, इस दुनिया में सब एक समान है मेरे भाइयों, सबकी अपनी अपनी लाइफ है इस दुनिया में, ना कोई परफेक्ट है बहुत ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर है, ना कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, मीन्स सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने आप में कॉन्फिडेंट होने चाहिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे भाइयों,
इसलिए अगर आप चाहते हो दोस्तों आप बने, देन अपने आप में फील करो यार हाँ मैं किसी से लाइफ में डरूंगा नहीं आज के बाद, लेकिन दिल से ब्रह्मचर्य करूंगा तब नहीं डरूंगा। ब्रह्मचर्य तोड़ोगे दोस्तों, हस्तक्रिया करोगे दोस्तों, वीर का नाश करोगे, अपने शरीर से राजा को निकालोगे दोस्तों, तो डरते रहोगे ज़िंदगी भर। और छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा मेरे भाइयों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं यार कि मैंने आज गलत कार्य कर दिया, मैंने हस्तक्रिया कर दी, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, मुझे ये हो गया यार, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आँख बंद कर कर ध्यान करो, मेडिटेशन करो और संयम रखो, सब्र रखो और डेफिनेटली आप ब्रह्मचर्य करोगे। ये समझोगे दोस्त बहुत बड़ी लाइफ है, लेकिन थोड़ा सा रुकते हुए दोस्तों, ये डॉक्टर की बातों में या फिर किसी यूट्यूबर की बातों में मत आना मेरे भाइयों की ये हस्तक्रिया करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है शरीर में। हज़ारों तरह के मैं गिनाना चाहूँ आपको, अब भी गिना सकता हूँ आपको, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दोस्तों हस्तक्रिया करने के बाद, लेकिन ये लोग हस्तक्रिया को, वीरनाश को नॉर्मल बताते हैं लोग, तो ये बहुत गलत है मेरे भाइयों। तो इसको समझो और जो भी गलती हुई है उसको छोड़ो आज के बाद से, और दिल से करना सीखो, थोड़ा सा ध्यान करना सीखो दोस्तों। अगर आप ध्यान करोगे मेरे भाइयों तो लाइफ में थोड़ा सा फोकस आएगा आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा बेसब्री मत रखो मेरे भाइयों, सब्र रखो लाइफ में, सब्र। ये रियल लाइफ है मेरे भाइयों, हमेशा बोलता हूँ रियल लाइफ है, ये मूवी नहीं चल रही है कोई। जैसे मूवी में भैया 5-5 सेकेंड में कोई करोड़पति बन जाता है और 5-5 सेकेंड में कोई लड़कियाँ पटा लेता है दोस्तों, ये असली में नहीं होने वाला मेरे भाइयों, सच में। इसलिए आराम से सब्र रखो, ध्यान रखो, कंट्रोल में रहो, अपने काम करते रहो लाइफ में, अपने फोकस, यू नो, गोल पर फोकस रखो बस। और जब आप कामयाब होगे दोस्त तो आप कहोगे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि यार मैं इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यार मैं तो इतना बड़ा कर सकता हूँ, इतना कमा सकता हूँ दोस्तों, ये कहोगे आप लाइफ में, पता है आपको। इसलिए जो व्यक्ति सब्र के साथ केवल अपने गोल पर फोकस करते हुए काम करता है वो लाइफ में बहुत कुछ पाता है, और उसको ये प्रकृति खुद देती है आपको, ये प्रकृति खुद देती है आपको, जो व्यक्ति फल की चिंता ना करते हुए केवल अपने गोल पर फोकस करते हुए काम करता है मेरे भाई, सच में कर जाओगे यार। आज की वीडियो इतनी थी मेरे भाइयों, सो एंजॉय करो। हरे कृष्ण।